हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पी ओमेस एंड वेलकम टू माय चैनल। हियर आई विल शो यू हाउ टू मेक इजी सीनरी विथ वाटर कलर। इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो सम टेक्निक्स एंड ब्रश स्ट्रोक्स दैट मेक यू इजी टू पेंट। दैट्स व्हाई वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोई भी सीनरी बनाने से पहले हमको हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ती है। यह हमको दर्शाता है कि जो चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन के पास रहेगा वो चीज़ छोटा होगा, और जो चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना दूर जाएगा वो चीज़ उतना ही बड़ा दिखेगा। इसको पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, और मैं इसी पर्सपेक्टिव थ्योरी के हिसाब से एक मेमोरी ड्राइंग बना रहा हूँ, और आगे हम ड्राइंग पेंटिंग करेंगे। तो वाटर कलर करने से पहले पेपर को थोड़ा पानी से भिगोना पड़ता है। इससे कलर चारों तरफ अच्छी तरह मिक्स हो पाता है और उसका एक अलग सा इफ़ेक्ट आता है। यहाँ मैं सिर्फ हाउस को छोड़ के चारों तरफ पानी दे रहा हूँ। आज स्काई में कैसे बादल बनाएंगे वह बताऊँगा। तो मैं यहाँ स्काई के लिए कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, और बादल के लिए उसी कोबाल्ट ब्लू में थोड़ा क्रिम्सन रेड मिला के स्काई और बादल के डार्क एरिया में दे रहा हूँ। इसके बाद ब्रश को अच्छी तरह पानी से धो के एक कॉटन कपड़े में साफ करके बादल की जगह की कलर को धीरे धीरे निकाल देंगे। यहाँ ध्यान देना कि पेपर के ऊपर ज़्यादा प्रेस मत करना, नहीं तो पेपर ख़राब भी हो सकता है। यहाँ मैं माउंटेन के लिए कोबाल्ट ब्लू के साथ विरिडियन ग्रीन, मतलब डार्क ग्रीन थोड़ा मिला के यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमसे जितना दूर रहेगा वह उतना ब्लू दिखेगा। मैं यहाँ पेड़ के पत्ते के लिए सेव ग्रीन और गेम्बोजियलो यूज़ कर रहा हूँ। पेड़ के ऊपर की तरफ लाइट पत्ते के लिए गेम्बोजियलो ज़्यादा, और नीचे के डार्क पत्ते के लिए सेव ग्रीन ज़्यादा ले रहा हूँ। यहाँ मैं पेड़ में स्प्रे टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ब्रश में ज़्यादा पानी और ज़्यादा कलर लेना पड़ेगा। मैं यहाँ ग्राउंड के लिए उसी कलर को लाइट और डार्क करके दिया हूँ, और घर के छत के लिए ऑकर येलो दिया हूँ। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया। लेट्स गो टू सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप शुरू करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप एकदम सूखा हो। मैं यहाँ घर के छत के लिए ब्राउन कलर और दरवाजे और खिड़की के लिए प्रूसियन ब्लू के साथ क्रिम्सन रेड मिला के डार्क वायलेट निकाल के दे रहा हूँ। मैं यहाँ पेड़ के लिए उसी कलर को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना होगा कि सेकंड स्टेप में कलर डेंसिटी ज़्यादा होगा और पानी कम। और यहाँ मैं उसी स्प्रे टेक्निक का फिर से यूज कर रहा हूँ। पेड़ के ट्रंक ब्रांचेस के लिए मैं ब्लू, क्रिम्सन रेड और ब्राउन, इन तीनों को मिला के दे रहा हूँ। घर के पीछे जो पेड़ है उसके लिए मैं गेम्बोजियलो और प्रूसियन ब्लू को मिला के लाइट ग्रीन निकाल के दे रहा हूँ, और उसी कलर को ग्राउंड के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ हमारा सेकेंड स्टेप भी ख़त्म हो गया। थर्ड स्टेप शुरू करने से पहले मैं फिर से बता दूँ कि सेकेंड स्टेप एकदम सूखा हो। मैं यहाँ डार्क टोन के लिए ब्राउन, क्रिम्सन रेड और प्रूसियन ब्लू तीनों को मिला के घर के छत में दे रहा हूँ। और
डोर और विंडो के लिए डार्क वायलेट दे रहा हूँ। यहाँ एक बात ध्यान देना कि कलर की मात्रा या कलर की डेंसिटी ज़्यादा होगा और पानी एकदम कम। मैं यहाँ पेड़ और ग्राउंड के लिए प्रूसियन ब्लू ज़्यादा और गेम्बोज येल्लो एकदम कम मिला के डार्क ग्रीन निकाल के दे रहा हूँ। वाटर कलर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम स्टेप वाइज करें, एक स्टेप सूख जाने के बाद ही दूसरा स्टेप शुरू करें, और जैसे ही स्टेप आगे आगे जाएगा उसी तरह ब्रश का साइज कम होते जाएगा और कलर का डेंसिटी ज़्यादा और पानी कम होते जाएगा। मैं यहाँ फर्स्ट स्टेप के लिए 10 नंबर ब्रश लिया हूँ, सेकंड स्टेप के लिए 5 नंबर ब्रश और थर्ड स्टेप के लिए 1 नंबर ब्रश लिया हूँ। और वाटर कलर का सबसे मुख्य चीज़ ये है कि हम जैसे ही स्टेप आगे आगे करते जाएंगे उसी तरह कलर का एरिया बहुत कम होते जाएगा। मैं यहाँ पेड़ में डार्क टोन के लिए प्रूसियन ब्लू और क्रिम्सन रेड मिला के डार्क वायलेट निकाल के दे रहा हूँ। यहाँ जो घर का शेडो एरिया था वो थोड़ा लाइट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर और थोड़ा कोबाल्ट ब्लू डीप करके दे रहा हूँ। So this was some tips about watercolor. I hope you learned something from this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.